यूपी के कासगंज सदर कोतवाली पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। राजनीति षड्यंत्र या फिर कोतवाल ने अपनी रंजिश को लेकर वादी पक्ष के मददगार कांग्रेस युवा कमेटी के जिला अध्यक्ष अमित यादव और भैयू को प्रतिवादी पक्ष की ओर से फंसा कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में न्यायालय के सुनवाई के दौरान अमित यादव को कोर्ट ने रिमांड को रिफ्यूज करते हुए 50,000 रुपए की जमानत देकर रिहा कर दिया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर न्यायाधीश ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये बात आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कही। दरअसल बीते 24 सितंबर 2023 को कासगंज शहर के सोरो कासगंज मार्ग पर कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाके में नामजद राजीव ठाकुर, आकाश माथुर, दीपांशु गुप्ता, प्रिंस ठाकुर, आदित्य अग्रवाल, अंकुर बाल्मीकि के अलावा तीन अज्ञात लोगों ने उस वक्त पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग कर दी थी, जब पाल नगर के युवक गणेश विसर्जन करने के लिए कछला गंगा घाट जा रहे थे। इसी बीच तीन लोगों को गोली लगी थी, जिसमें दो लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया था। इसने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, क्या मामला था पूरा? जो पुलिस ने गिरफ्तार किया वो मामला तो कोर्ट में जाने के बाद ही मालूम पड़ा कि ये क्यों किया है। पुलिस तो 20-25 सिपाही सिविल बिना वर्दी के एकदम घर में घुस बैठे। मेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से घर में ही था मैं, और अगर कैमरा नहीं होते तो वो पता नहीं मुझ पर क्या क्या लगाते। तो मैं बनियान और अंडरवियर में था, इसलिए कपड़े भी उन्होंने भारी ला के दिए थे कैमरे के सामने। नहीं तो वो तमंचा पिस्टल और भी चीज लगाने के उसमें थे। उन्होंने कोई पुरानी घटना में 307 में 120B में मुझे दिखा दिया किसी अपराधी की बयानों के आधार पर अपराधी बना दिया। न्यायालय से आपको क्या राहत मिली? न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया, हमारे विद्वान वकीलों ने बहस करी, हमें न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय ने उनका रिमांड रिफ्यूज कर दिया। नहीं तो क्यों फंसाया जा रहा आपको उस तरीके से? मुझे क्या पूरे उसमें जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं ये मेरे साथ ही नहीं, पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा, हो सकता है कल फिर कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो लगता है कहीं ना कहीं पुलिस कांग्रेसियों की हत्या करना चाहती है। पूरे अगर शायद कैमरा नहीं होते घर पे तो शायद वहां ले जाके मुझे कोर्ट में पेश भी नहीं किया जाता। क्या एनकाउंटर का डर था आपको? पूरा डर था, और जिस तरह से वो थाने किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, पीएसी बैठा दी गई थी, किसी से बात नहीं कर रहे थे, कोई चीज नहीं बता रहे थे, और सिविल ड्रेस में पुलिस के कुछ लोग आके बार बार माल खाने से कहीं पिस्टल निकाल रहे थे, कहीं वो ला रहे थे। पूरा ऐसा अंदेशा और माहौल क्रिएट कर दिया था कि एनकाउंटर की पूरी अंदेशा था। वो तो बाहर कार्यकर्ता ना होते तो एनकाउंटर हो सकता था। हमारे मेल कार्यकर्ता मनोज भैया जैसे वहाँ सब कार्यकर्ताओं ने और सबने बहुत सहयोग किया। स्पष्टतया प्रथम दृष्टया तो पुलिस ही हरकत कर रही है। पुलिस का यही मकसद समझ में नहीं आता, क्यों उठाती है और क्यों ले जाती है, क्यों अपीडेंट कर रही है। अब ये विचार करने का विषय है कि किसके दबाव में कर रही है। आपने जो प्रेस नोट दिया है उसमें भाजपा का नेतृत्व बताया है। बिल्कुल, भाजपा का नेतृत्व इसमें सम्मिलित है। भाजपा के दबाव में और सरकार के दबाव में ये काम किया जा रहा है। कौन है भाजपा का ऐसा? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता को रोकने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। कौन सा है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, कौन सा संगठन है जो भाजपा का जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? जो संगठन और जो नेतृत्व है वो है तो सत्ता का ही, अपना कौन लोग शामिल है उनके नाम आने दीजिए, वो भी उजागर करेंगे। तो क्यों नहीं हो रहा है उजागर इन सारे नाम? अभी ये कल की घटना है, अभी इस सीट पे हम लोग विचार कर रहे हैं, हम इस सीट को अभी देख रहे हैं, और जैसे ही नाम सामने आते हैं हमें खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश लेवल या AICC को अवगत करा दिया? बिल्कुल, दिल्ली से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सारी चीजों से अवगत करा दिया गया है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इस मामले का पूरा संज्ञान लिया है, और ये आश्वस्त किया है कि जनपद में वो स्वयं आएंगे और आंदोलन को एक नई दार देंगे। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पे भी कार्रवाई हुई, और अभी जो नगर के भी एक कार्रवाई के आदेश हुए हैं। देखिए, 3-4 लोगों की लिस्ट है जिसमें हमारे सबसे पहले कार्रवाई की गई प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस सौरभ पाल, उनको एक मुकदमे में फर्जी रूप से फंसाया गया जहां से कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उसके बाद में दीपक धनगर जो NSUI के जिलाध्यक्ष हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया। कल कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? कल पुलिस ने एक लाइन में ये लिखते हुए कि अमित भैयू किसी षड्यंत्र में षड्यंत्रकर्ता हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी CDR के, बिना किसी CCTV फुटेज के
कोर्ट में महज एक लाइन के आधार पर मुजरिम बनाकर पेश कर दिया तो अदालत ने उस रिमांड को खारिज कर दिया। तो क्या इसमें पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस की भूमिका ये रही कि पुलिस गलत तरीके से हमारे लोगों को उठा के गलत मुकदमों में रख के कोर्ट में पेश कर रही है, जहां से कोर्ट उनको रिहा करना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे प्रकरण में लिप्त है? इस पूरे प्रकरण का संज्ञान हाईकोर्ट में भी दिया जाएगा। इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके हम लोग हाईकोर्ट में भी इस मुद्दों को लेके जाएंगे।